रैयतों को जल्द मिले मुआवजा, अन्यथा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उक्त बातें जिला परिषद ममता देवी ने कही। ललकी घाटी से गड़के होते हुए सिकनी मारंग मरचा तक टू लेन सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी तक रैयतों को मुआवजा नहीं मिली है। इसकी जानकारी लेने रैयतों के साथ कांग्रेस नेत्री सह जिप सदस्य ममता देवी पहुंची। वीडियो सीओ ने कहा कि हम लोगों के तरफ से जमीन के पेपर जमा करने के लिए कहा गया। ममता देवी ने कहा कि जल्द ही हर पंचायत के कर्मचारी द्वारा कैंप लगाकर मुआवजे को लेकर जमीन के रसीद पेपर जमा कराने को कहा, क्योंकि अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और सड़क जबरन रैयतों के जमीन पर निर्माण कराया जा रहा है। अगर जल्द रैयतों को मुआवजा नहीं मिला तो हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। पीडब्ल्यूडी से जो ललकी घाटी से होते हुए जो दुलमी होते हुए सिकनी मोड़ तक जो टू लाइन का निर्माण हो रहा है, पथ निर्माण हो रहा है, इसके जानकारी के लिए हम लोग वीडियो मैडम पास आज आए थे। और यहाँ आकर के यही पता चला कि मैडम को भी कोई वैसा नोटिस नहीं मिला है कि ये सर्वे करे कि किन किन ग्रामीणों का जमीन जा रहा है इसमें। और मैडम से यही जानकारी मिली कि ब्लॉक स्तर से किसी ग्रामीण को ये मतलब जानकारी नहीं मिली गई है, कोई आदेश नहीं दिया गया है कि वो लोग अपना जमीन का पेपर जमा करें। और ये कौन कर रहा है पता नहीं, लेकिन फिर भी गांव के लोगों से पूछने से यही पता चला कि ग्रामीणों को ये आदेश मिला है कि ये लोग कहीं भी एक निश्चित स्थान तय किया गया है वहां जा करके अपना जमीन का पेपर जमा करें, जबकि अंचल में इसकी सूचना किसी को भी नहीं। आज हम लोगों ने दुल्हन वीडियो और जियो सीओ जैसा मुर्मू से जो पिछले दिनों पेपर में आया था कि सिरपुर बाजार में और दुल्हन बाजार में जो टूलेन लड़की हाटी से सिकनी मोड़ तक जो रोड बन रहा है उसका मुआवजा के लिए रसीद और पेपर जमा करना है, जिसकी जानकारी हम लोगों ने आज ममता देवी के नेतृत्व में वीडियो महोदय और सीओ से हम लोग जानकारी लेने पहुंचे। यहाँ पे मिलने से यही खास पता चला कि जो पेपर जमा किया जा रहा है वो फर्जी तरीके से जमा किया जा रहा है। यहाँ पे ब्लॉक के किसी अधिकारी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और हम लोग वीडियो से मांग किए हैं कि आप हर पंचायत में कैंप लगाकर जितने भी रैयतों का जमीन जा रहा है उसका पेपर जमा करें और जल्द से जल्द रैयतों को मुआवजा मिले, और नहीं मिलते मुआवजा मिले तो हम जल्द ही इस पर आंदोलन करें पर बाध्य होंगे। न्यूज लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है